गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.2, लेक्चर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट, इवेलुएट। फर्स्ट पार्ट है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज रखेंगे। साइन 60 डिग्री के वैल्यू √3/2 इंटू कोस 30 डिग्री के वैल्यू √3/2। साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री की वैल्यू सेम होती है, प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू कोस 60 डिग्री 1/2। साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री की वैल्यू भी सेम होती हैं, इक्वल टू √3/2 को √3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4, प्लस 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1/4। अब इनका लेंगे एलसीएम, 4 आ जाएगा, तो ये 3+1=4/4। अब ये कट जाएंगे 1 पे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 2 tan² 45° प्लस कोस स्क्वेयर 30° माइनस साइन स्क्वेयर 60°। अब इनकी भी वैल्यूज रखेंगे तो ये 2 × tan 45° की वैल्यू 1 होती है, तो 1 और इसके ऊपर स्क्वेयर था तो स्क्वेयर लगाएंगे, प्लस कोस 30° की वैल्यू √3/2 तो √3/2 इसके ऊपर स्क्वेयर है तो स्क्वेयर लगा दिया, माइनस साइन 60° की वैल्यू √3/2 इसके ऊपर स्क्वेयर था तो इसका भी स्क्वेयर लगाया हमने, इक्वल टू का निशान 2 × 1² 1। ये प्लस के √3/2 स्क्वेयर माइनस √3/2 इसका भी स्क्वेयर, तो एक प्लस और एक माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2 आ जाएगा। पार्ट थर्ड जो एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोस 45° अपॉन सेक 30° प्लस कोसेक 30° इक्वल टू कोस 45° की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 अपॉन सेक 30° की वैल्यू 2/√3 प्लस कोसेक 30° की वैल्यू 2, इसको 2/1 रखा आपने। अब नीचे वाला काम लेंगे एलसीएम, ऊपर वाला एज इट इज लिखेंगे, तो 1/√2 अपॉन इसका लेंगे एलसीएम तो कितना आएगा √3। अब √3 को √3 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को फिर न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया प्लस। अब 1 से डिवाइड करेंगे √3 को तो √3 आएगा। अब √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 2√3 इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो क्या किया जाएगा, तो 1/√2 इंटू, अब ये संख्या पलट जाएगी तो √3 ऊपर चला जाएगा और 2+2√3 नीचे आ जाएगा। अब न्यूमिरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई किया तो √3 आ गया, अपॉन √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 प्लस 2√3 को और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√6। अब हम करेंगे इसका रैशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर का √3 ये तो एज इट इज अपॉन 2√2 + 2√6, तो आपके पास जो दी गई संख्या थी वो एज इट इज लिखी आपने मल्टीप्लाई का निशान। अब डिनोमिनेटर में जो निशान है केवल आप उसको चेंज करेंगे, रैशनलाइजेशन में जो डिनोमिनेटर में संख्या होती है केवल उसका निशान चेंज करना पड़ता है बस केवल। तो हमने क्या कर किया, ये 2√2, अब यहाँ प्लस का निशान था हमने माइनस लगाया, फिर 2√6 अपॉन, अब जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो अपॉन 2√2 − 2√6। अब न्यूमिरेटर की मल्टीप्लाई अलग और डिनोमिनेटर की अलग, तो न्यूमिनेटर की √3 को 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 हो जाएगा, माइनस √3 को 2√6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√18 हो जाएगा अपॉन। अब इसमें 2√2 + 2√6, इसमें 2√2 − 2√6, अब एक में प्लस का निशान है एक में माइनस का निशान है तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a+b × a-b, यानी a² - b²
यानी पहली संख्या का स्क्वेयर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वेयर, तो पहली आपके पास क्या है टू रूट टू, तो टू रूट टू का स्क्वेयर माइनस सेकेंड क्या है टू रूट सिक्स, तो टू रूट सिक्स का स्क्वेयर इक्वल टू टू रूट सिक्स, ये तो एज इट इज हो गया माइनस का निशान, ये टू इंटू, अब 18 का रूट जो है उसको क्या लिखोगे आप थ्री रूट टू लिखा जाएगा अपॉन टू रूट टू का स्क्वेयर। अब देखो टू का स्क्वेयर होता है फोर, और फोर को फिर टू से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों ये स्क्वेयर रूट स्क्वेयर से कट जाएगा तो टू बचा, तो टू का स्क्वेयर फोर, फोर को टू से मल्टीप्लाई किया एट आ गया, माइनस टू रूट सिक्स का स्क्वेयर क्या होगा भाई टू का फोर, और फोर को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, तो एट माइनस 24। अब ऊपर वाले में टू कॉमन है तो टू कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा रूट सिक्स माइनस, अब ये टू कॉमन ले लिया था तो क्या बचेगा यहाँ थ्री रूट टू अपॉन एट माइनस 24, तो ये माइनस के 16 आ जाएंगे। अब ये टू से ये 16 एट पे कट जाएगा, तो क्या है आपके पास ऊपर तो आपके पास रूट सिक्स माइनस थ्री रूट टू अपॉन माइनस एट, अब ये माइनस का निशान आप ऊपर भेज देंगे, तो ये संख्या जो थी आपके पास प्लस की थी तो ये तो हो गई माइनस की आपके पास, और ये माइनस की थी ये आपके पास प्लस की हो गई, तो हम क्या लिखेंगे ये प्लस की थी पहले लिख लेंगे थ्री रूट टू और ये माइनस रूट सिक्स और अपॉन एट, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो भाई इसमें आइडेंटिटी और लगेंगी जो मैंने यहाँ दिखा रखी है आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, और दूसरी आपके पास ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, तो ये तीन आइडेंटिटी जो है ना आप याद रखना आगे लगेंगी। तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।